उधर पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिंसा ने भी बरगाड़ी बेअदबी मामले में अभी तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। परमिंदर सिंह ढिंसा ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल से मिले हुए हैं, दोनों ही बेअदबी मामले की जांच से छेड़छाड़ कर रहे हैं। खबर सुन के बहुत ही मन में दुख होया कि आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह का जो इस्तीफा है वह सरकार ने मंजूर कर लिया। तो मैं समझा कि ना कि जो बादल परिवार तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते सी उ होया। तो जेडे लोग पंजाब की सियासत को जानते या समझते हैं उन्होंने शुरू तो इस गल का पता सी कि ये जो इनकुआरी है ये किसी पासे नहीं लगनी, ये आखिर जिहड़ा है इन्हें जिहड़ा रोल दिता जाएगा तो उही कुछ होया। तो ये गल जरूर पर सामने आ गई है कि इस इनकुआरी नूं रोलण दे विच इहनूं रोकण दे विच दोनों परिवार कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सुखबीर सिंह बादल अते बादल परिवार ये सारयां दी मिली भुगत है, क्योंकि शुरू तो ही यह नहीं चाहते सी भी सच्चाई लोगों के सामने आवे। तो एक पहली बार नहीं होया, तुसी देखो जद दी सरकार बनी है जो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादे किए सी उन्हां चों एक भी अहम वादा पूरा नहीं किया, खास तौर पर इनकुआरियां संबंधी। जिहड़ी भी इनकुआरी दे नाल बादल परिवार का किसी तरह का भी थोड़ा मोटा भी संबंध है वह सारिया इनकुआरियां रुड़ियां, एक भी सिरे नहीं चढ़ी, चाहे बहबलगां ते बरगाड़ी इनकुआरी होवे, चाहे जो पंजाब दे विच नशियां दी तस्करी दी जो इनकुआरी सी वो भी अज जो ADGP हरप्रीत सिंह उन्होंने की सी वो भी अज लिफाफा बंद पई है, दो साल तो उत्ते समा हो गया हज तक नहीं खुली। ते तीजी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी सी वो भी अज हाई कोर्ट हजे तक लड़की पई है, तुसी देखो तकरीबन 3 साल का समा हो गया तो अज तक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं हो सकया। सो ये सारे जिहड़ियां अहम सी अज तक क्यों सिरे नहीं चढ़ी, इस सवाल का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह का देना बनता है।